काइनेटिक्स चैप्टर का हम भी एडवांस का डिस्कस किए थे, इंटेंस क्वेश्चन डिस्कशन टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हुआ जीमेन 2019 में, इसमें 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम 6 क्वेश्चन आज भी ध्यान देंगे, फिर 7 क्वेश्चन नेक्स्ट डे। देखिए पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2F प्लस बी प्रोडक्ट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, इसका हाफ इसका है, इससे इसका दुगुना रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम लोग देखें कि ये कॉन्स्टेंट है, ये वैरी करता है लेकिन रेट कॉन्स्टेंट है, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर हो गया, कॉन्स्टेंट है वैरी नहीं करेगा, ऐसे हम इसको तुलना कर सकते हैं आर टू से आर वन, इसको आर वन माने, इसको आर टू, इसको आर थ्री, हम आर टू R2 by R1 करें 6.93 10 to the power minus 3 equal to a और b, तो हम a पर ले के a point to the power k into इस पर 0.25 इस पर b ऑर्डर को डिवाइड करें 6.93 10 to the power minus 3 के पॉइंट a into 0.02b से कट गया, कट गया, ये तो बराबर है कट जाएगा, अब ये 1 आया यानी b है यहाँ, तो 0.25 0.2 to the power b बराबर 1, तो b बराबर 0, 0 पावर किसी का 1 होता है, बी के रिस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अब ए के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं, थ्री आर थ्री, आर थ्री को हम लोग 13.86 10 to the power minus 3 6.93 10 to the power minus 3 बराबर के a 0.20 to the power a के 0.1 to the power a, ये तो जीरो ही हो गया, कैंसिल हो गया, बी तो जीरो हो गया, ये दो से कट गया, तब 0.2 0.1 to the power a बराबर 2, तो 1 a के रिस्पेक्ट में 1 पावर हुआ, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हुआ, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया आपका जीरो। अब इस तरह से हमको क्वेश्चन है, द टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, अब हम पहले के निकाले किसी एक इक्वेशन से, 6.93 10 to the power minus 3 बराबर के 0.2 into 0.20, ये 0.1 ले, कोई एक ले लेते हैं हम लोग, तो के जो हो गया हमको, इस पर तो जीरो पावर है, इस पर वन पावर खत्म ही हो गया, तो के का जो वैल्यू हो जाएगा 0.1 से ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जीरो जाएगा, तो 6.93 10 to the power minus 2 के का वैल्यू हुआ। अब हाफ निकाले, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ बराबर 693.693 by k, तो 0.693 इसको हम लोग लिख सकते हैं 693 के 6.93 10 to the power minus 2, ये माइनस 2 पर जाएगा प्लस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.93 6.93 10 कर दिया, तो 10 मिनट हो गया, 10 मिनट इस रिएक्शन का हाफ लाइफ हुआ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ दुगुना है, इस पूरे रिएक्शन के रेट का ये दुगुना रेट है, तो इसका जो हाफ ऑफ ए जो घटने का है ए बाय टू होने में 10 मिनट यानी 5 मिनट लगेगा, यानी ये 5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा 5, ये इसका डिस्कशन हुआ।
क्योंकि पहले हम ओवरऑल हाफ लाइफ निकालेंगे, फिर ए का घटने का रफ्तार, फिर ए को आधा होने में कितना समय लगेगा, जितना पूरे रिएक्शन को होने में समय लगेगा उसका आधा, है ना, क्योंकि ए का रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोगुना है, इसलिए ऐसा हुआ बी के रिस्पेक्ट में। ये हाफ लाइफ निकालने के बाद ये बात पता चला। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस, क्वेश्चन है जीमेल में, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। फॉर द रिएक्शन टू ए बी प्रोडक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ वेयर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.3 से 0.24 तो 0.24 यानी 24 से 0.3 आठ गुना बढ़ गया, है ना। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल द रेट इंक्रीज फ्रॉम 30 से 6, जब ए को हम डबल करते हैं तो क्या होता है कि 0.6 से 0.3 यानी दो गुना होता है, इसको दो गुना टेन पावर यानी एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक हुआ। अब देखिए, अब हम लोग बोलेंगे कि आठ है तो दो गुना पर एक पावर, दो गुना पर तीन पावर हो जाए, दो गुना पर इसके वजह से दो गुना हो गया, एक वजह से दो गुना हुआ इस पर दो पावर, दुना चार दुना आठ, दुना चार दुना आठ, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दो और एक रिस्पेक्ट में तो ओवरऑल ऑर्डर तीन, चार तो किसी का ऑर्डर होता ही नहीं है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दो, ये आंसर, दैट्स ऑल। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, इफ रिएक्शन फॉलोड आरएनए सीक्वेंस एंड द प्लॉट एलएन के वर्सेस 1/t गिव्स ए स्टेट लाइन विद ए ग्रेडिएंट माइनस y यूनिट द एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं कि k a e a by r t, अब ln की से ln k माइनस e a by r 1/t y बराबर c माइनस mx, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह क्या होगा यही पूछा जा रहा है हमको, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट है तो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी और माइनस y, हम जो प्लॉट करेंगे इसको इस तरह से ln के इस तरह से, ये स्लोप, स्लोप हो गया ये बाय आर माइनस ये बाय आर माइनस वाई, वही स्लोप ग्रेडियंट बोला जा रहा है उसको, स्लोप तो माइनस ये वाई हो गया आंसर। डिकम्पोजिशन देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्रीमेंट रेट कांस्टेंट ऑफ कितना ग्राम पर ईयर, तो ये हो गया आपको जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ए नॉट बाई टू के, ए नॉट कितना है, शुरुआत कितना से हुआ 5 माइक्रोग्राम, 2 गुना 0.05, अब इसको लीजिए तब, अब ये हुआ 50/5 तो 10 हो गया, तो इसका आंसर 25/50 0.05। एक मिनट इसको फिर से कैलकुलेशन करते हैं, 2 गुना है ना, तो ये हो गया 500, 2 जीरो 5 गुना 10 कट गया 50, ये आंसर हो गया, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन है ना, इस रिएक्शन से NO2 बनता है, इनिशियल कंसंट्रेशन 3 है और 2.75 मोल पर लीटर 30 मिनट होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछता है, हम लोग बोलेंगे हाफ इनटू माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा t, ये हमको निकालना है, हम लोग बोलेंगे डेल्टा NO2 बाय डेल्टा t बराबर 4/2 इनटू माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा t, ये 2 पॉइंट यहाँ डिफरेंस करते हैं, हम 3 घटाते हैं
0.25 30 मिनट हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह 4.2 × 0.25/30 30 मिनट इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/30 10^-2 फिर ये 200 गुना भी है यहाँ पर इनटू 2 तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 × 3 6 में भाग दीजिए 3 × 1 = 3 2 × 3 = 18 −2 ये 1.667 −2 मोल पर लीटर इसका आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन आपके वीडियो में होगा प्रीवियस क्वेश्चन और जो इसमें से रेस्ट है जी मेन में और नेक्स्ट दो लेक्चर दो वीडियो में इसका पूरा जीमेन 2019 का क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा ऐसे ईयर वाइज फिर उसके बाद नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर 2016 शुरू करेंगे इस तरह से बताएंगे 2018-17 इस तरह से ईयर वाइज पूरे एग्जाम का 3 एग्जाम का क्वेश्चन जीमेन एडवांस और नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का पूरा हम पढ़ा चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में पूरी क्वेश्चन बता दिए हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच।